जय हिंद दोस्तों, रश्मि के किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अड़ू वड़ी की रेसिपी। ये अरवी के पत्तों से बनाए जाते हैं, इसे हिंदी में पात्रा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात में इसे स्नैक्स की तरह खाया जाता है और बहुत पसंद भी किया जाता है। तो चलिए देखते हैं अड़ू वड़ी किस तरह से बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए हमें अरवी के पत्तों की ज़रूरत पड़ती है। ये अरवी के पत्ते हमें इस तरह के चाहिए, आप देख सकते हैं ये मध्यम साइज़ के अरवी के पत्ते मैंने लिए हैं और ये इसकी डंडी है, आप देख सकते हैं काली है। तो इस तरह से काली डंडी वाले ही अरवी के पत्तों का इस्तेमाल इसके लिए करें। ये देखिए, इस तरह से चाकू की सहायता से हमें सारे पत्तों की ये डंडियाँ निकाल लेनी है। तरह से ये 15 पत्ते मेरे पास है। अब इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप बेसन लिया है। इसके अंदर मैं चुटकी भर हींग डाल दूंगी। छोटा आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दें, आधा चम्मच जीरा डाल दें, आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डालें, स्वाद अनुसार नमक डाल दें। ये 1 चम्मच लहसुन को मैंने पीस लिया है, इसे मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये 1 चम्मच हरी मिर्च को मैंने पीस लिया है, इसके अंदर मैंने इसे भी डाल दिया। अब इसे एक बार अच्छे से मिला लें। अब इसमें मैं 2 चम्मच इमली और गुड़ की पेस्ट मिला लूँगी। अगर आपके पास ये पेस्ट नहीं है तो आप इमली का पानी बनाकर और उसमें गुड़ डालकर उसे मिलाकर इस तरह से इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसका एकदम अच्छे से गाढ़ा पेस्ट बना लूँगी। एकदम से पानी ना डालें, इसे अच्छे से इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें अच्छे से मिलाना है, क्योंकि हमें ये ज़्यादा पतली पेस्ट नहीं चाहिए। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही गाढ़ी पेस्ट हमें इसके लिए चाहिए, क्योंकि हमें इसे पत्तों के ऊपर लगाना है। अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच चावल का आटा डाल दिया। यह ऑप्शनल है, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन चावल का आटा डालने से ये अच्छे से क्रिस्पी बन जाएंगे अगर आप इसे डीप फ्राई करते हैं तो। तो देखिए, ये बिल्कुल गाढ़ी पेस्ट एक तैयार है हमारे पास। अब अरवी के पत्तों को मैंने इस तरह से उल्टी तरफ से रख दिया है, आप देख सकते हैं, और उसके ऊपर इस तरह से इस बेसन को पतली परख लगा दें। अब इसके ऊपर हमें और एक अरवी का पत्ता रखना है। अब देखते हैं, मैंने इसे उल्टी तरफ से रख दिया है, तो हमें इसे रोल करने में आसानी होगी। ये देखिए, इसके ऊपर भी इस तरह से बेसन के मिश्रण की परख लगा दें। अब इसके ऊपर फिर से हमें तीसरा पत्ता रखना है। अब इसे मैंने फिर से सीधी तरह से रख दिया है, हार्ट शेप में, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर फिर से मैंने बेसन लगा दिया। इस तरह से एकदम अच्छे से पतला सा बेसन हमें इसके ऊपर लगाना है। अब देखिए, ये मैंने चौथा पत्ता रखा, उसको मैंने फिर से उल्टा रखा है और इसके ऊपर फिर से बेसन लगा दिया। अब इस तरह से फिर से पांचवा पत्ता रखकर इसे मैंने फिर से हार्ट शेप में रख दिया है और इसके ऊपर फिर से पतली बेसन की परख लगा दे। इस तरह से अच्छे से बेसन लगाने के बाद हमें इसे रोल करना है। ये देखिए, इस तरह से धीरे धीरे अच्छे से बीच में से भी दबाते हुए इसका रोल बना ले और साइड से इसे अच्छे से इस तरह से अंदर दबा दे। हमें इसे स्टीम कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर मैं इडली के कुकर में इसे स्टीम करने वाली हूँ, तो एक इडली के प्लेट पर मैंने इसे इस तरह से रख दिया। इस तरह से मैंने इन सारे पत्तों के रोल बना लिए हैं और इन्हें मैं 20 से 25 मिनट तक मध्यम आंच पर स्टीम कर लूँगी। ये देखिए, 25 मिनट बाद एक बार चाकू डालकर इसे चेक कर ले, अगर चाकू साफ़ निकलता है तो ये बनकर तैयार है, और अगर इसका बेसन इस पे चिपक जाए तो समझ लीजिए कि इसको और थोड़ा पकने की ज़रूरत है। अब इसे निकाल ले और थोड़ा ठंडा होने दे। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे चाकू की सहायता से इस तरह से पतला पतला काट ले। आप देख सकते हैं कितने सुंदर ये अड़ू वड़ी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसका आकार है। आप चाहे तो इस तरह से इकट्ठा बनाकर इसे
डीप फ्रीजर में 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। मन चाहे तब इसे फ्राई करके खा सकते हैं। इस तरह से सारे रोल्स को काट लें। आपके ज़रूरत अनुसार आप इसे फ्राई कर सकते हैं। आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो इसी तरह से इसको प्याज का तड़का लगाकर इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। अरवी कभी कभी खुजली कर सकता है, इसलिए इसमें खट्टा डालने की ज़रूरत होती है, तो इसमें इमली डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा डीप फ्राई कर लेंगे। इसमें से थोड़ी आलू बड़ी मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर तेल अच्छे से मैंने गरम कर लिया है। गरम तेल में इसे अच्छे सा सुनहरा होने तक मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने सुंदर ये बनकर तैयार है। अब हम इसे तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने 1 चम्मच तेल में थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी राई और थोड़ा सा तिल डाल दिया। इसमें थोड़ा सा हरी मिर्ची डाल दें और अब इस तड़के को इस आलू वड़ी के ऊपर डाल दें। आप चाहे तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो देखिए, बनकर तैयार है हमारी आलू वड़ी। तो ज़रूर बनाकर देखिए इस तरह से आलू वड़ी, और मुझे ज़रूर बताएं कैसी बनी थी। इस तरह से और नई रेसिपीज जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी नई रेसिपी के साथ। जय हिंद।